स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ओपन योर बुक्स ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन माय अर्ली होम। वी हैव डन थ्री क्वेश्चंस ए बी एंड सी। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट जॉब डज द मास्टर डू। मास्टर क्या काम करता था, ठीक है, यानी कि मास्टर क्या करता था। इसका आंसर ये है, ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर। वो उसे सहलाता और थपकी देता। यहाँ से आपने राइट करना है, ठीक है। ही एच कैपिटल होगा आपका। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर। वो उसे थपकी देता और सहलाता। और यहाँ से आगे आप स्टार्ट करेंगे, एंड सम टाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर हिज मदर। कभी कभार वो उसकी माँ के लिए एक गाजर लाता, ठीक है। ये यहाँ तक है आपका आंसर। पहले आपने ही वुड बैट एंड स्ट्रोक हर तक करना है, उसके बाद आपने एंड से स्टार्ट करना है, एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर हिज मदर, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी लर्न अबाउट ब्लैक ब्यूटीज ग्रैंड पेरेंट्स। हम ब्लैक ब्यूटी के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए का मैंने आंसर लगाया हुआ है, हिज। यहाँ पे आप राइट करेंगे, एच कैपिटल आई एस, हिज ग्रैंडफादर वन द कप 2 years। उसके दादा ने 2 साल कप जीता। और उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ से ही राइट करेंगे, एंड राइट करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, एंड ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स। और उसका जो दादी का रवैया था वो हर घोड़े से बहुत मुख्तलिफ था, ठीक है, बहुत मीठा रवैया था उसका। यहाँ से यहाँ तक आपका ये आंसर है। ये आपने इसी तरह से लर्न भी करना है और राइट भी करना है, आपने इसी तरह से निशान लगाना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड द मास्टर कॉल ब्लैक ब्यूटी एंड व्हाई। ब्लैक ब्यूटी को मालिक जो है, मास्टर जो है, वो क्या कहता था और क्यों कहता था। इसका आंसर मैंने ये राइट किया है, ठीक है। एफ का आंसर, द मास्टर कॉल्ड हिम डार्की। मास्टर उसे डार्की कहता था, बिकॉज हिज कलर वॉज डल ब्लैक, क्योंकि उसका रंग बहुत काला था, ठीक है, काला तारीख था या काला स्याह था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज ओल्ड डैनियल। ओल्ड डैनियल कौन था। इसका आंसर ये है, ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस। ओल्ड डैनियल वो आदमी था जो कि घोड़ों की देखभाल करता था, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। ये आपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से लर्न करने हैं, राइट भी करने हैं क्लासवर्क में एंड होमवर्क में, और मुझे राइट करके चेक करवाने हैं, इसकी पिक्स सेंड करनी है, और ये अपनी मदर्स को सुनाना भी है, और वीडियो बना के मुझे शेयर करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।